हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाया इनोलेट्स। इनोलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एंड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड पढ़ने के बाद जिक्र करेंगे। हम सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं। तो जरा समझो, आप लोग जानते होंगे मिथाइलिन ग्रुप ये हुआ करता है, सी एच टू ग्रुप को क्या बोला करते हैं हम लोग, मिथाइलिन ग्रुप। ये क्या है आपका, मिथाइलिन ग्रुप है। ये सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, अभी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस मिथाइलिन ग्रुप से, ये आपका सी एच टू ग्रुप है, अगर इस मिथाइलिन ग्रुप से कोई दो ऐसे ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करें, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करें, अगर वो वाले इस सी एच टू ग्रुप से जुड़ जाएं, तो ऐसे सी एच टू ग्रुप को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोला करते हैं, क्योंकि इस सी एच टू ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाया करती है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन हुआ करता है एच प्लस के फॉर्म में निकल जाया करता है। क्या मैंने बताया, ये जो सी एच टू ग्रुप से दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ जाएँ, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप जुड़ जाएँ, जैसे सी एन ग्रुप हुआ, सी एन ग्रुप जुड़ जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है सी एन ग्रुप, उसके बाद सी ओ सी एस थ्री हुआ, उसके बाद सी डबल ओ एच हुआ, ये सब इलेक्ट्रॉनों को तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद सी डबल ओ आर ग्रुप हुआ, ये सब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए, सी एन यहाँ पे ऐड हो जाए, सी एन यहाँ पे ऐड हो जाए, तो ये जो सी एच टू ग्रुप होगा ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। ये क्या कहलाएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्यों, क्योंकि होता क्या है, ये सी एन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो ये क्या करता है, कार्बन इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। जब इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाया करती है। जब ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाती है तो ये जो कंपाउंड हो जाता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, या फिर ये जो ग्रुप हो जाता है सी एच टू ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के सी एच टू ग्रुप को हम लोग बोला करते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोला करते हैं। जैसे अगर हम इस तरीके से बात करें, ये जो ग्रुप होगा आपका, ये भी क्या होगा, ये सी एच टू जो ग्रुप होगा मिथाइलिन ग्रुप होगा, ये भी क्या होगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है और हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकाल देता है, जिससे सी एच टू ग्रुप रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए इस सी एच टू ग्रुप को क्या बोला करते हैं हम लोग, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोला करते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हुआ करती है उन्हें बोला करते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोला करते हैं। क्या मैंने कहा, ऐसे कंपाउंड जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रखते हैं उन्हें हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोला करते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। ये वाला कंपाउंड क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। जो आपके सिलेबस में एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट, ये आपके सिलेबस में है, जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। जरा इस ग्रुप को देखो, ये जो सी एच टू ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ये है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ये रहा, तो दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये वाला सी एच टू ग्रुप। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। और यदि इस कंपाउंड में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो ये कैसा कंपाउंड होगा, क्या बोलेंगे इसे, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है इतना। इसका नाम क्या होगा, ये आपके सिलेबस में कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, ये क्या है आपका, इथाइल है, तो आप क्या लिख देंगे, इथाइल।
ये इस ग्रुप का नाम क्या है, एसीटो इथाइल, इथाइल ये लिख दिया मैंने, एसीटो ये लिख दिया, ये बीच में क्या है एसीटेट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथाइल एसीटो एसीटेट। आप समझ जाओगे सर एसीटेट तो CH3COH- होता है, ये तो CH2COH है। अरे देखो एक एच की जगह पर क्या आ गया, एसीटो ग्रुप आ गया ना, इसलिए क्या हो गया CH2COH। फिर से समझे, ये इथाइल है तो इथाइल लिख दिया, ये एसीटो ग्रुप है तो एसीटो लिख दिया, ये क्या है बीच में एसीटेट। तो इथाइल एसीटो एसीटेट क्या है, आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ये आपके सिलेबस में है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करें जो आपका सिलेबस में है, वो है आपका डाई इथाइल मेलोनेट। ये जो है इस कंपाउंड का नाम है डाई इथाइल मेलोनेट। ये कितना है, डाई इथाइल है, ये पूरा जो आयन बनता है इसे मेलोनेट आयन बोला करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, डाई इथाइल मेलोनेट। अब मेरी बात सुने, इसे कैसे याद रखेंगे, आपने बीएससी सेकंड ईयर में एक एसिड पढ़ा था मेलोनिक एसिड, वो क्या होता है जरा समझिए, CH2COCOH एक ही कार्बन से दो COOH लगे हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं मेलोनिक एसिड। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था जब आपने इस पर हीटिंग की थी, तो क्या बनता है आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जरा समझिए, अगर हम इसे आयोनाइज करें तो क्या बन जाएगा, CH2H निकाल दो यहाँ से, COO- इसे बोलते हैं मेलोनेट आयन। अगर मेलोनेट आयन पर C2H5 जोड़ दें, C2H5 और C2H5, तो क्या बन गया, कितने C2H5 जोड़ दिए, दो C2H5 जोड़ दिए, तो क्या बन गया आपका डाई इथाइल मेलोनेट बन गया। क्लियर इतना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस कंडीशन यही है मिथाइलिन ग्रुप से कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़े हो, दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़े हो। अगर एक जुड़ता है, एक साइड जुड़ता है, तो वो CH2 ग्रुप होता है, वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं हुआ करता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, अगर हम ऐसा कुछ कहें एल्किन लें, आपसे पूछा जाए बताओ जरा एल्किन में क्या ये जो CH2 ग्रुप है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, तो आप कहेंगे नहीं, ये CH2 ग्रुप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये CH2 ग्रुप CH3 ग्रुप से जुड़ा है, जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं प्लस आई के थ्रू। क्लियर है इतना, ठीक। अगर ऐसा कोई आपसे कहे, क्या आप बताओ जरा क्या ये वाला CH2 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, तो आप कहेंगे नहीं ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, तो यहाँ पर भी ये CH2 ग्रुप जो होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं। आपके एग्जाम में आता है, कहता है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को डिफाइन कीजिए, एग्जाम्पल भी दीजिएगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एक्टिव मिथाइलिन जो ग्रुप होता है ये CH2, यहाँ से H+ निकल जाया करती हैं, इसका मतलब अगर H+ निकल जाती है तो इसका मतलब ये एसिड की तरह वर्क करता है, तो इसमें इस कंपाउंड में एसिडिक करेक्टर आ जाते हैं। अगर ये एसिडिक करेक्टर आ जाएगा इस कंपाउंड में, तो ये ईजली बेस से रिएक्शन कर लेगा, तो ये जो कंपाउंड होता है या फिर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो हुआ करते हैं, वो बेस से रिएक्शन कर लेते हैं, और जब ये बेस से रिएक्शन करते हैं तो एक एनाइन का फॉर्मेशन होता है, उसी एनाइन को हम लोग इनोलेट बोला करते हैं। जरा समझो कैसे, जैसे हम कहें इथाइल एसिटो एसिटेट लेते हैं, CH3CO CH2 इथाइल एसिटो एसिटेट ले लिया, यहाँ पर ये क्या है एच है आपका, ठीक है। हम इसकी बेस से रिएक्शन करा दें सॉरी इसकी बेस से रिएक्शन करा दें C2H5ONA से रिएक्शन करा दे रहे हैं, ठीक है। जब इसकी इससे रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा।
अब यहाँ पे ये जो H+ होगा किस फॉर्म में निकल सकता है, H+ के फॉर्म में निकल सकता है, ये H+ होगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये जो C2H5- माइनस है ये क्या ले जाएगा, H+ को ले जाएगा, तो क्या बना लेगा, C2H5OH बन जाएगा। जब ये सॉरी जब ये यहाँ से H+ निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये जो होगा देखो जरा, CH3CO निगेटिव COOC2H5, ये जो आयन बना है इसी आयन को हम लोग इनोलेट बोला करते हैं। ये जो इनोलेट होता है, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एज ए इंटरमीडिएट वर्क करता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में, इसकी जो रिएक्शंस हैं, हम लोग इनोलेट केमिस्ट्री को हम लोग अलग से कवर करेंगे, ठीक है। आपके बीएससी थर्ड ईयर में जितना है वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग इनोलेट केमिस्ट्री को अलग से पूरी सीरीज कवर करेंगे। तो ये क्या है आपका, इनोलेट आयन है। तो आप लोग इनोलेट समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है इनोलेट। ये आपका जब हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, इनोलेट का फॉर्मेशन होया करता है, ठीक है। अब जरा समझे ध्यान से, ये जो इनोलेट है, यहाँ पे जो आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है इस पर निगेटिव है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से ये क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। अब जरा देखें यहाँ पे जो नेगेटिव है इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर भी रेजोनेंस करता है, जिसकी वजह से इनोलेट में जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना वो हाईली स्टेबल हुआ करता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए, सबसे पहले एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के बारे में जिक्र किया, उसके बाद थोड़ा सा इनोलेट के बारे में बताया, ये इनोलेट आयन होते क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका इथाइल एसीटो एसीटेट, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होते हैं। देखो आता तो सभी है, ठीक है, जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब मोस्टली मोस्ट हैं, सब कुछ कवर करना है। और आपको कहीं भी समझ में ना आए आप मुझे SMS या कॉल कीजिएगा, ठीक है। अगर आप YouTube पर हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट में नहीं रखते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।